शुरुआत इस बुलेटिन की कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मुख्तार बाबा पर प्रशासन का एक्शन वहां पर जारी है। बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील करने की खबर मिल रही है। बिरयानी का नमूना फेल होने पर यह कार्रवाई की गई। अब तक बाबा बिरयानी के 4 आउटलेट सील हो चुके हैं। कार्रवाई जारी। बिरयानी का नमूना फेल हुआ और एक और आउटलेट सील। मुख्तार बाबा पर सख्ती। यहां पर बाबा बिरयानी का एक और आउटलेट सील। बिरयानी का नमूना फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। 4 आउटलेट अब तक बाबा बिरयानी के सील हो चुके हैं कानपुर में। और जो ताजा सीलिंग की कार्रवाई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त कानपुर से हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। बिरयानी का नमूना फेल हो गया बाबा बिरयानी का और इस वजह से आउटलेट एक और सील और अब तक कुल मिलाकर 4 आउटलेट सील। 3 जून को हुई कानपुर हिंसा के मामले में मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था और फाइनेंसर के रूप में पुलिस ने उसकी भूमिका संदिग्ध मानने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार बाबा बिरयानी का मालिक है और तमाम फूड चेन्स के रूप में उसकी दुकानें कानपुर शहर ही नहीं प्रयागराज में, लखनऊ में और वाराणसी जैसे शहरों में है। इसे सील कर दिया गया है। स्वरूप नगर में हम मौजूद हैं। स्वरूप नगर के बाबा फूड्स के फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में संचालित किया जाता है। इसे मानक के विपरीत नमूने होने के चलते खाद्य पदार्थों के सील किया गया था और उसके बाद से एक नया खुलासा ये हुआ है कि जीनत नाम की महिला की ये बिल्डिंग है जिसकी 7 दुकानों पर मुख्तार बाबा ने पिछले कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। जीनत का ये आरोप है। पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप जीनत ने लगाया है और ये कहा है कि पिछले कई दिनों से ना सिर्फ उस पर दबाव बनाया जा रहा था बल्कि मुख्तार बाबा की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरी प्रॉपर्टी को वो उसके नाम कर दे अन्यथा उसके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि मुख्तार बाबा और पुलिस की मिलीभगत के कई मामले इसी बीच सामने आ चुके हैं और अब जब ये कार्रवाई हुई है पुलिस ने प्रशासन की तरफ से ये मुख्तार बाबा के तमाम फूड चेन्स को सील किया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।